नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के दौर में सबकी जुबान पर एक शब्द खूब चढ़ा, इम्यूनिटी। लगभग एक फैशन की तरह सबने कहा कि कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर तरीका है कि हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता। शरीर की इम्यूनिटी को हमने कोरोना से जोड़कर देखा, लेकिन आयुर्वेद में इस इम्यूनिटी को हमेशा से ही बहुत महत्व दिया जाता रहा है। आयुर्वेद में इस इम्यूनिटी की जांच करने के लिए बाकायदा एक श्लोक है जिसमें 8 लक्षण दिए गए हैं। इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, यानी आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ कैसी है। यह श्लोक है, देहे सर्वत्र चौष्णस्य समता लाघवम सुखम सुतीक्षणा गाढ़ निद्रा च मनसोपि प्रसन्नता शरीरे कर्म सामर्थ्य अनालस्यम च कर्मसु स्वतः स्वेदो गमह काले स्वस्थता लक्ष्यन्ति ही। अर्थात यदि हमारा पेट साफ हो, हमारा वजन सही हो, त्वचा साफ हो, हमें आलस न आता हो, अच्छी भूख लगती हो, अच्छी नींद आती हो, शरीर में कहीं कोई पीड़ा न हो और हमारा मन प्रसन्न रहता हो, तो हम अपने आप को स्वस्थ मान सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर आप में ये 8 लक्षण नहीं हैं, तो घबराने की बात नहीं। आप आज से ही अपनी दिनचर्या, अपने खान पान को बदल कर जल्दी ही इन लक्षणों को पैदा कर सकते हैं। इन लक्षणों को आप कैसे अपने भीतर ला सकते हैं, उसके कुछ तरीके मैं आपको यहाँ सुझा रहा हूँ। पहला, त्वचा में कांति। देहे सर्वत्र च उष्णस्य समता का अर्थ है कि पूरे शरीर में एक समान ताप होना चाहिए। ऐसा होने पर आपकी त्वचा स्वस्थ रहती है और स्वस्थ त्वचा में ही चमक भी आती है। जिनका स्वास्थ्य जितना अच्छा होता है, उनके चेहरे समेत पूरे शरीर में त्वचा भी उतनी ही अच्छी होती है, चमकती हुई। चेहरे पर यह चमक आभा के रूप में दिखाई देती है। चमक को बढ़ाने के लिए पानी खूब पिएं। रोज सुबह एक गिलास हल्का गुनगुना नींबू पानी जरूर पिएं और दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीने की आदत डालें। नियमित योग, व्यायाम और संतुलित व सात्विक आहार बाकी कमी पूरी कर आपकी त्वचा को निखार देगा। दूसरा, वजन पर नियंत्रण। लाघवम सुखम। वजन बढ़ने की आनुवंशिक वजहों के अलावा अगर कोई और वजह है, तो वह आपके भोजन और व्यायाम के बीच असंतुलन है। जब भी आप दिन भर में भोजन के जरिए जितनी कैलोरी यानी ऊर्जा लेते हैं, व्यायाम और शारीरिक गतिविधि के जरिए उतनी कैलोरी खर्च नहीं करते, तो अतिरिक्त ऊर्जा ही आपके शरीर में अतिरिक्त वजन बनकर जमा होती जाती है। ली जाने वाली और खर्च की जाने वाली ऊर्जा में संतुलन बनाकर आप अपने वजन को भी संतुलित कर सकते हैं। तीसरा, तेज भूख लगे। अगर आपको भोजन के समय पर तेज भूख का एहसास न हो, तो आप खुद को एक अद्वितीय सुख से वंचित कर रहे हैं। जो लोग हर वक्त कुछ न कुछ खाते रहते हैं, जिनके भोजन का समय निश्चित नहीं होता और जो भूख से ज्यादा भोजन करते हैं, वे ऐसा करके खुद को तेज भूख के सुख से वंचित करते हैं। चौथा, गहरी नींद आए। गहरी नींद के लिए बहुत जरूरी है कि शरीर में थकान हो, क्योंकि नींद शरीर की मांसपेशियों को दुरुस्त करने और आपको तरोताजा करने के लिए ही होती है। रात में गहरी नींद का सुख लेने के लिए दिन में सोने की आदत छोड़नी होगी। दोपहर के भोजन के बाद 20 मिनट का आराम कर सकते हैं। दिन भर शरीर और दिमाग दोनों से सक्रिय बने रहें। सोने से पूर्व दिमाग को शांत करें। टीवी मोबाइल से 1 घंटा पूर्व ही दूर हो जाएं। शांत संगीत सुनते हुए सोने से सहज ही गहरी नींद आती है। पांचवा, मन में प्रसन्नता का भाव रहे। मन अगर उदास रहता हो, वहाँ घबराहट हो, एंजाइटी हो, तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। मन का प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है।
मन दो तरह से प्रसन्न होता है। पहला, शरीर के स्वास्थ्य से। आप जितना शरीर को योग, व्यायाम और संतुलन के जरिए फिट बनाओगे, मन उतना ही प्रसन्न रहेगा। दूसरा, आपकी सकारात्मक सोच से। आपकी सकारात्मक सोच मन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। सकारात्मक सोच के लिए ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास सबसे कारगर है। छठा, शरीर में कोई पीड़ा न हो। बहुत जरूरी है कि शरीर को लेकर बहुत सचेत रहा जाए। किसी हिस्से में कोई समस्या आए तो लापरवाही न दिखा, उस पर तुरंत ध्यान देकर त्वरित इलाज करवाने से हम निरोगी शरीर का सुख ले सकते हैं। सातवां, शरीर में आलस्य न रहे। सात्विक भोजन, ध्यान, योग, व्यायाम और प्राणायाम अगर ये आपके नियमित जीवन का हिस्सा बन जाएं, तो आपके शरीर में आलस्य की कभी कोई जगह नहीं रहेगी। आठवां, पेट ठीक से साफ हो। अगर आप सात्विक भोजन करेंगे और नियमित योगासन भी करेंगे, तो आपका पेट अपने आप साफ रहेगा। दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। पेट को दबाने वाले सभी आसन कब्ज को दूर करने में सहायक होते हैं। आप भुजंगासन, बालासन, पवन मुक्त आसन, वज्रासन, धनुरासन और योग मुद्रा का विशेष अभ्यास कर सकते हैं। याद रखें कि जिम जाकर बाहरी बाहर से शरीर को चमकाने से आप स्वस्थ नहीं कहलाए जाएंगे। ये 8 लक्षण ही आपके स्वास्थ्य के असली मापदंड हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।